खबर ही कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छापरी गई के एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खबरी नाम है मेरा, खबर सबकी रखती हूँ। ओ चिंटू के पापा, सासू जी बोल रहे हैं तनिक पंखा चला दो। सासू जी बोल रहे हैं नहीं सुने हो, गर्मी लग रही है न, पता है न, बोल रहे थे कि घबरा रहा है जी। इट्स हॉट, तुमको इंग्लिश किसने? हमको तो नहीं आया, तुमको कैसे इंग्लिश आ गया? सुशीला सिखाई है तुमको? हमको तो चिंटवा सिखा रहा है, तुमको सुशीला इंग्लिश सिखा रही है? बड़ा ट्यूशन लेती है आजकल, बोलेंगे ना अभी तिवारी जी को। कहाँ तो गए हैं वो तिवारी जी, कहाँ गए हैं? अभी आए थे ना आपके पास अम्मा। आशीर्वाद लेके गए हैं ना अभी तुमसे, कहाँ तो जा रहे थे? बहुत ट्यूशन देने लगी है आजकल, भेजते हैं चिंटू को, नहीं भेजेंगे हम, भेजते हैं पूरे मोहल्ले के बच्चों को इंग्लिश ट्यूशन। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो आप लोग? आप देख रहे हो सुशीला इंग्लिश ट्यूशन दे रखी है, शुरू की है अभी, हमारे पति को करी है अभी सिखाना शुरू। हमारा दिमाग खराब हो रहा है, फोन देखे कि का अभी गड़बड़ा गए हैं हम ये सब सुन के। तनिक ससुर जी का भैया जी, अभी तनिक खबर को लाइन पे ले लो। या अभी तो एक तो चीजें बाकी है ना, ये बाकी तो सब ठीक है। तुमको हमारा आवाज आ रहा है कि नहीं? ओ उठा के ऐसे काहे करते हो? मैंने कब तुम्हारा फोन उठाया? ये सब छोड़ो, तुमको पता है लक्ष्मी चौक में नया ट्यूशन वाला टीचर तो आया है। कौन आंटी? अब तुमको तो पता होगा, खबरी है, सबकी खबर रखते हो ना। माय फ्रेंड सुशी। खा लो सुशी है तो। हम थोड़ी खाएंगे, हम ना वोक वाली सुशी खाएंगे, तुम्हारे जैसे लोगों का दिमाग नहीं खाते। ये सब ठीक है, हमारा भेजा तो खराब है, तो पहले खबर बताओ यहाँ से रवाना। भेजा नहीं, तुम्हारा दिमाग ही खराब है। What? इससे पहले कि हमारे सबर का बांध टूट जाए ना, चुपचाप से खबर सुना दो। चुपचाप नहीं, हमें बोल के सुनानी पड़ेगी खबर। पहली खबर नूरा फतेही का, पता है आपको गाना आया? Oh my नहीं God. पता है हमको। क्या लग रही है उस गाने में? वो तो क्या पहनी है? सिल्वर कलर का ड्रेस पहनी, मुझे भी लेने जा, मैं वही शॉपिंग करने निकली थी पर मुझे मिला नहीं। हमको दर्शकों को, ए तुम्हारा को का हो गया है आजकल? हमारे दर्शकों को नमस्कार काहे नहीं कहते हो? हम दिल से जुड़े हुए हैं। दिल से जुड़े हुए हैं तो आदर सम्मान नहीं होता है तुमसे? पहले झुक के अच्छे से दर्शकों को प्रणाम करो, ऐसे नहीं हम उधर लगा देंगे ना मार के सर झुका के। मुँह से नमस्कार कौन बोलेगा? तो मुँह से बोलेंगे नमस्कार, आप कैसे हैं, आपका स्वागत। अभी आंटी हम दोनों ने स्वागत कर लिया, एक ही बात है ना आंटी? नहीं अलग अलग बात है। अच्छा। हम हैं, तुम हो, हमारा जब भोज है तुम कंगुतेली भी नहीं ना हो, उससे भी डाउन हो। ऊपर से कंगुतेली कोई डाउन तो नहीं है, बस ऐसा फ्रेज लोग यूज करते हैं तो हम भी कर लिए। दर्शक लोग माफ कीजिएगा, गलत नहीं ना समझेगा। का है बत्ती से कहाँ निकाल रहे हो? तो बत्ती से नहीं आंटी, 33 ही निकालेंगे क्योंकि एक दांत हमारा डबल आ गया है। अकल नहीं आई उका, कुछ नहीं दांत डबल दे दिए भगवान जी, बेकार मजाक कर। हमें थोड़ा तो कुछ डबल दे, तुम्हारा तो दिमाग दांत कुछ नहीं है, सब डबल है ना। ये तुमको वो दांत गिराने की रफ्तार से भी ज्यादा चलता है दर्शक लोग, हमारा दिमाग हाँ इतना चलता है कि चलते चलते निकल गया है कहीं पे, वापस ही नहीं आया दिमाग। ऐसे होल नहीं है जो खुल के निकल गया, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें करा करो। तुम प्रैक्टिकल बातें करते, दिमाग की बात तुमसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ज्यादा इंग्लिश पढ़ अभी मत बोलो ना हमारे सामने, हमारा इंग्लिश की वजह से हमारा खोपड़ा पहले से ही खराब है। हमें भी सुशीला ने सिखाया इंग्लिश, खबर अच्छा। दिखाओ फिर बाद में सीखना इंग्लिश सीखेंगे। हाँ ठीक है, नूरा फतेही वाली चला देंगे। नूरा फतेही ने फिर से मचाया धमाल, फिल्म सत्यमेव जयते 2 का गाना कुसु कुसु हुआ रिलीज। जी हाँ, फिल्म सत्यमेव जयते में दिलबर दिलबर के बाद नूरा फतेही इसके सीक्वल सत्यमेव जयते 2 में एक और स्पेशल सॉन्ग के साथ वापस आ गई है जिसका टाइटल कुसु कुसु है। बता दें कि सॉन्ग की वीडियो की शुरुआत क्लैप बोर्ड के साथ होती है जिसमें लिखा हुआ होता है नूरा फतेही इन एंड एज दिलरुबा। वो सिल्वर आउटफिट पहने और एक गाने की शूटिंग करती नजर आ रही है।
वहीं जॉन अब्राहम की बात करें तो वो एक ब्लैक हुडी में सेट पर ड्रामेटिकली थ्रोइंग पंचेस एंड फ्लैक्सिंग हिज मसल्स। बता दें कि इस मनोरा के बेली डांसिंग मूव्स ने फैंस से खूब सराहना बटोरी। वीडियो में कमेंट सेक्शन में एक फैन ने लिखा, नोरा फतेही की एनर्जी दूसरे लेवल पर है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वहीं एक ने लिखा, नोरा में हेलन मैम की झलक दिखी है, वो निश्चित रूप से आज की हेलन है। कई फैंस ने कमेंट किया कि उन्हें नेहा कक्कड़ की आवाज की याद आ रही है। कुसु कुसु को जहरा खान और देवी नेगी ने गाया है। इससे पहले नोरा जॉन की रॉकी हैंडसम में रॉक द पार्टी, सत्यमेव जयते में दिलबर दिलबर और बाटला हाउस में साकी साकी में नजर आ चुकी हैं। मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित सत्यमेव जयते 2 में जॉन को एक पिता और उनके जुड़वा बेटों के रूप में ट्रिपल भूमिका में दिखाया गया है। दिव्या खोसला कुमार इस फिल्म में फीमेल लीड के रूप में दिखाई देंगी। ये फिल्म जॉन और मनोज वाजपेयी अभिनीत 2018 की फिल्म का सीक्वल है। तुमने देखा वो गाना आंटी? वो सब तो ठीक है, ये बताओ हमाल नहीं देखे, समय नहीं ना मिला हमको, वो भेज देना ना। हम का बोल रहे हमाले का शॉपिंग किए हो, थैलियां तो बड़ी लेके आए हो, बताओ का हमाले का किए हो? हाँ, तुम्हारे लिए लिया ना आंटी, बहुत स्पेशल चीज ली है। का लिया है हमारे लिए? गैस करो क्या लिया होगा। गैस तो क्यों ले रहे हो, हमारे घर पे गैस बहुत सारा पड़ा है, दो दो गैस पड़े हैं। ऊपर से हम लोग वो विश्वामित्री को भी गिफ्ट आया है, वो 3 गैस पर, हम तो बोले लेके जा, बोले हाँ भाभी जी हमारे घर पे तो 7 गैस ऑलरेडी पड़ा है, तो आप रखो। हाँ, और तुम्हारे पेट में जो गैस है वो अलग। जोक था, हंसना था, हा, 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 हो गया। आंटी ऐसे मत करो यार, बच्चे डर जाते हैं। आंटी तुम बताओ हमारे का शॉपिंग के हो, का दर्शक लोग हम देखेंगे ना, व्हाट इज इन योर बैग, हम सब बोल हमको चीन तो सही ना सिखा रहे हो, हमारा लल्ला सही ना सिखा रहे है। हाँ, सुशीला चिंटू के पापा को सही सिखा रही है। ज्यादा तुम हमारे में ना बकवास नहीं करो हमारे सामने। आंटी आपके लिए ना स्पेशल चीज ली है मैंने। का लिए हो बताओ ना हमको, वो एक खबर सुनाने के बाद बताएंगे। कंगना रनौत, चलो ना। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत हमेशा सही और गलत कारणों से चर्चा में रहती हैं। उनके बयान कभी कभी बिंदास, बोल्ड और गलत समझे जाने वाले होते हैं। कंगना रनौत को उनके बेहतरीन अभिनय कौशल के लिए जाना जाता है, वो अपने बयानों के लिए भी जानी जाती है, जो हमेशा विवादों में रहते हैं। लेकिन अब कंगना रनौत एक और वजह से चर्चा का विषय है। हाल ही में उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में खुलकर बात की। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपनी शादी के प्लान का खुलासा किया। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही वो उस व्यक्ति के नाम का खुलासा करेंगे जिसे वो डेट कर रही है। अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए कंगना ने कहा, मैं निश्चित रूप से शादी करना चाहती हूँ और बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। मैं खुद को 5 साल में एक माँ के रूप में देखती हूँ और एक पत्नी के रूप में, और निश्चित रूप से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो नए भारत के नए विजन में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। उनके पार्टनर के बारे में पूछे जाने पर कंगना रनौत ने जवाब दिया कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, प्यार में ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन हाँ एक स्पेशल प्लेस है। जब उन्हें ज्यादा डिटेल्स शेयर करने के लिए कहा गया, तब उन्होंने कहा, लेट्स मूव ऑन, तुम जल्द ही जान जाओगे। बता दें कि कंगना रनौत को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंस्टाग्राम पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के साथ तस्वीर साझा करते हुए कंगना ने कैप्शन दिया, बहुत पहले जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, एक सवाल ने मुझे परेशान किया था। मैंने अपने आप से पूछा कि कुछ लोग प्रसिद्धि चाहते हैं और कुछ सिर्फ अटेंशन चाहते हैं, मैं क्या चाहती हूँ? गहराई से मैं हमेशा से जानती थी कि एक लड़की के रूप में मैं सम्मान पाना चाहती हूँ और यही मेरा खजाना है। इस उपहार के लिए भारत को धन्यवाद। अब कंगना ने जब अपने डेटिंग के बारे में खुलकर बात कर ही ली है, तब फैंस ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि आखिर वो लकी बॉय कौन है। तुमको भी सुशीला ने सिखाया? हमको चिंटू ने सिखाया है, समझे? पर चिंटू को तो सुशीला तो हमारी दोस्त है, सुशीला हमारे बीच ना, ये गड़बड़ फैलाने का काम नहीं ना करो तुम। तो हमने थोड़ी किया, तुम खुद ही फैला रही हो। सब छोड़ो, उस खेलेंगे, हमको 3 शब्द दोगे, अब हम तुमसे तो बनी नहीं। खैर, पहले जब आए थे, अब हम बना के बताते हैं कि कैसे का बोलते हो, दर्शक लोग शायरी कैसे बनती है। चलो दो हमको फट से। अच्छा, फट से कि फटके?
का कुछ सुने कुछ सुनाई दिया हम आ, सुने नहीं का तनिक जोर से बोलेंगे जय माता दी पहले शब्द दो हम हम सुना ज्यादा करना नहीं तू अच्छा चपातियां ओ चपातियां फनी और ओरिजिनल अब बताओ हैं का बोले चपातियां फनी और चलो थोड़ा इजी कर देते चपातियां चौपाटी और फनी चपाती चौपाटी और फनी हमको इजी डिफिकल्ट सब चलेगा तुम्हारे जैसे नहीं नहीं हम क्या ऐसे कुछ भी बना के दे देंगे ओके हमको 2 मिनट्स प्लीज देंगे 2 मिनट में तो एक खबर ना सुना दो मैं में हम फनी चपातियां और का कहे थे चौपाटी चुप रहो गेम भी खेलने दादागिरी भी करनी है ऐसे थोड़ी होता है ए कौन सा अल्बर्ट आइंस्टाइन का नकल कर रही है तुम नहीं हम बता है कौन सा बना रहे थे फनी आंटी बनाती है चपातियां नहीं फनी आंटी चौपाटी पे बनाती है चपातियां फनी आंटी चौपाटी पे बनाती है चपातियां और उसको खाते हैं कौन सूरज बढ़ जाती है का बात है दर्शक लोग बहुत ही एक सेकंड हम तालियां 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 दर्शक लोग आप अगर आप अच्छी बना पाए ना हाँ बना ही लेंगे डेफिनेटली आप सब तो खबर जैसे नहीं ना होते हैं तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में हमको जरूर बताइएगा कैसी बनी बहुत बढ़िया थी ना प्लीज आप बना दीजिएगा इनसे तो कोई उम्मीद है नहीं अब बहुत बढ़िया थी ना दर्शक लोग का सासू मम्मा अम्मा बहुत बढ़िया थी ना सच बोल दो तुम्हारी अम्मा झूठ नहीं बोल रही हमारी अम्मा तो सबासी दे रहे हैं हमको लो अम्मा दे दो सबासी सबासी नहीं तुमको खींच के दे रहे होंगे तुम चुप रहो तुम्हारा काम है खबर सुनाने का तो खबर सुनाओ हमको तो ठीक है खबर सुनाएंगे मल्लिका शेरावत की जिनको एक आ, एक, एक बंगला बनेगा प्यारा एक बंगला बनेगा प्यारा प्यारा लगने लगा है प्यारा प्यारा रे जरा जरा बोली तेरा गाओ बड़ा प्यारा मैं तो ऐसे ही टाइम पास करना है कि दर्शकों को खबर सुनाना है आंटी ऐसे मजा आ रहा था ना हाँ तो आगे करते हैं ऐसा का क्या दर्शक आप हमारे साथ खेलेंगे ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खेलेंगे अच्छा मल्लिका शेरावत की मैं खबर की बात कर रही थी उसमें भी ना चपाती फनी ये दोनों शब्द है आजकल चपाती बनाती है नहीं चलो शुरू करो खबर मल्लिका शेरावत ने एक गाने के सीक्वेंस के लिए एक अजीब कॉन्सेप्ट का खुलासा किया जो एक निर्माता ने एक बार उनके साथ शेयर किया था उन्होंने कहा उन्होंने सुझाव दिया कि वो उसकी कमर पर चपातियां गर्म करके दिखाए एक शो में उपस्थिति के दौरान मल्लिका ने कहा कि उन्हें इस तरह के एक गाने के लिए शूटिंग करने से इनकार करना पड़ा लेकिन उन्होंने कहा कि यह काफी फनी और ओरिजिनल था एक बार एक निर्माता उनके पास एक गाने के सीक्वेंस के विचार लेकर आए मल्लिका ने कहा अपनी विकृत सोच में उन्होंने कहा बड़ा हॉट गाना है लेकिन ऑडियंस को कैसे पता चलेगा कि आप हॉट है आप इतनी हॉट है कि आपकी कमर पर मैं चपाती सेक सकता हूँ मल्लिका ने कहा कि ये कितनी अजीब धारणा है कि आपने कभी ऐसा कुछ सुना है उन्होंने कहा कि मैंने इस चीज से मना कर दिया मैंने कहा नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे लेकिन मुझे लगा कि ये काफी फनी और ओरिजिनल आइडिया था ये ओरिजिनल थॉट था मल्लिका ने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि भारत में हॉट मानने का कॉन्सेप्ट क्या है वास्तव में उन्हें यह अजीब लगता है उन्होंने कहा मुझे लगता है कि भारत में महिलाओं के लिए हॉटनेस के बारे में उनकी एक अजीब धारणा है मैं इसे नहीं समझ सकती बेशक यह बेहतर है लेकिन जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो ये अजीब था वर्क फ्रंट पर बात करें तो मल्लिका शेरावत को हाल ही में ईशा गुप्ता और गौतम रोड़े के साथ MX प्लेयर सीरीज नाकाम में देखा गया था ये शो एक सेलिब्रिटी की हाई प्रोफाइल मौत के इर्द गिर्द घूमता है का कहे कैसे कैसे आइडिया आ जाते हैं ना लोगों को का करते हो दर्शक लोग आंटी आप बताओ आपके साथ कभी ऐसा वियर्ड किस्सा हुआ है कुछ हम वियर्ड तो हम जब से हम ई तुम्हार अब लक्ष्मी चौक में रहने आए हैं तब से जिंदगी में कुछ अच्छा तो नहीं ना हो रहा है स-
समझ रहे हो, भावनाओं को समझ रहे हो। हाँ, जिस तरीके से तुम जितने जैसे इंसान हो ना, तुम्हारे साथ तो सीधी चीजें हो नहीं सकती। हम तो बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे। हमारी अम्मा कहती है, का कहते हो दर्शक लोग, नहीं ना है ना, हमारे ससुर जी भी कहते हैं, हम नहीं बनाएंगे ना पूरे दिन मावे के लड्डू, तो का करेंगे वो ये बता दो। हमा कितना पता है तुमको, कितने लोग हमारे हाथ की रेसिपी ले, वो सुशीला ही लेके गई है, पर हमारे हाथों में वो जो जादू है ना, हम का बताएं, का जादू है, कोई और बता ही नहीं पाता है दर्शकों को। हाँ, हम का किए पता है दर्शक लोग, सुशीला बैठी हमारे पास, का नाम है कचिन के पापा, ये बैठे हमारे पास, और हम सब बना के दिए उनको, तो अभी हम बनाओ लड्डू में जो स्वाद था वो दोनों के हाथों में आया ही नहीं ना। नहीं आएगा ना, तुम्हारा पसीना तुम्हारे हाथ में होता है, तो तुम्हारे हाथ के लड्डू का अनहाइजीनिक बातें करते हो, तुम हमारा दिमाग खराब कर देते हो। तो जो सच्चाई है वो है आंटी, इसलिए तो तुम्हारे पास खबर है ना, लाए हो ना, खबर सुनाने आए हो ना यहाँ पे। हाँ, क्या करने आए हो? शॉपिंग करने। तो खबर सुनाओ ना हमको, शॉपिंग की बुआ। शॉपिंग की बुआ नहीं, शॉपिंग तो बुआ नहीं बोले, हाँ बोले शॉपिंग की बुआ के लिए भी लेके आना शॉपिंग। शॉपिंग कैसे लेकर आए? हमको समझ में नहीं आया, दिमाग खराब है। हम कहे शॉपिंग करके लेकर आना। आंटी आंटी, अगली खबर के लिए एक हिंट दे, उसके बाद खबर शुरू करें। हाँ दो। अच्छा, ऐसा कौन है जिसको 12 मुल्कों की पुलिस जिसके पीछे पड़ी है? डॉन। हाँ। शाहरुख जी की खबर लाए हो का? ये अमिताभ जी की खबर, आप दोनों ही तो डॉन बने थे, किसकी खबर लाए हो? दोनों में से किसी की नहीं, मैं तो इंटरनेशनल डॉन की खबर लाई हूँ। ओ, हम वो मूवी देखे थे, पर हम नाम हमको नहीं पता। नहीं पता ना, तो ठीक है खबर देख लो तो पता चल जाए। कोरियाई सुपरस्टार डॉन ली हॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि वो न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक निर्माता के रूप में अपने हॉरिजॉन्स को एक्सपेंड करना चाहते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, मुझे अन्य हॉलीवुड फिल्मों से बहुत सारे ऑफर मिल रहे थे, लेकिन मुझे एक सुपर हीरो फिल्म के साथ शानदार शुरुआत करने की खुशी है, जो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकारों की टीम के साथ है। इन सालों में ली ने दक्षिण कोरिया में सबसे सफल अभिनेताओं में से एक होने का स्थान प्राप्त किया। उन्होंने फिल्म ट्रेन टू बुसान के साथ लोगों को अपना दीवाना बना लिया, जिसके बाद उन्होंने डेरेल्ड द ब्रॉस और आउटलॉस जैसे कई प्रोजेक्ट किए हैं। वो अब अपने हॉलीवुड डेब्यू के लिए एंजेलिना जॉली और किट हैरिंगटन के साथ सुपर हीरो फिल्म इटर्नल्स में जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब किसी प्रोजेक्ट में एंजेलिना जॉली जैसा कोई व्यक्ति हो तो आपको ये प्रोजेक्ट लेना ही पड़ता है। मैं अपने डेब्यू से खुश हूँ, अब मैं असल में कुछ हॉलीवुड फिल्मों का निर्माण कर रहा हूँ और मैं जल्द ही इसमें अभिनय करना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं इसे सिर्फ प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। उन्होंने वेस्ट में हॉरिजॉन्स को एक्सपेंड किया है, और आश्चर्य की बात यह है कि बॉलीवुड भी क्या उनकी विश लिस्ट में है या नहीं, इसका उल्लेख भी उन्होंने किया। उन्होंने हंसते हुए स्वीकार किया कि उनके पास इसके लिए सही स्किल्स नहीं है। उन्होंने कहा, मैं खराब डांसर हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं बॉलीवुड कुछ कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरे फिल्म इटर्नल्स में एक बॉलीवुड ट्विस्ट है जो एक डांस है, और हमें ये स्टेप बहुत पसंद आया। से वो वाला गेम खेलेंगे का? कौन से वाला? ये वो गाने गाने वाला। हाँ तो दर्शकों के साथ खेलेंगे, इससे बोल रहे हैं, चलो कौन से, तुम शुरू करो फिर हम गाएंगे, फिर हम शुरू करेंगे, फिर तुम गाएंगे, फिर तुम शुरू करोगे, फिर हम गाएंगे। आ देखे जरा जरा जरा, महकता है बहकता है आज तो हमारा तन, नना 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 करते प्यार है मैं इकरार। का दर्शक लोग, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। लाल दुपट्टे वाली, ओ बिलू दुपट्टे वाली तेरा नाम, लाल दुपट्टा गाओ ना मैं बताऊंगी। आ हा हा आहा ये क्या हो गया? क्या हो गया? इससे पहले के दर्शक लोग बेहोश हो जाएंगे, अगली खबर लगा देंगे का भैया। बिक्की कौशल, बिक्की कौशल। इस महीने की शुरुआत में अभिनेता विकी कौशल ने बेयर ग्रिल्स के साथ इनटू द वर्ल्ड के आगामी एपिसोड का पहला लुक शेयर किया, जिसे काफी पसंद किया गया, और अब एक्टर ने एक प्रोमो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने सबसे बड़े डर का खुलासा किया। विकी ने यह वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा,
अनचाहे क्षेत्र में बेयर ग्रिल्स के साथ कदम मिलाना जीवन भर का रोमांच है। सर्वाइवल टिप से लेकर अपने डर को फेस करने तक हमारी जर्नी एपिक रही है। देखिए इनटू द वाइल्ड सिर्फ डिस्कवरी प्लस पर, प्रीमियर 12 नवंबर को। प्रोमो में विक्की को काफी अलग साहस करते हुए देखा जा सकता है। वो दलदल से उठाया गया केकड़ा खाते हुए, पैदल जंगल पार करते हुए और समुद्र में कूदते हुए देखे जा सकते हैं। अपने इस अनोखे अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, मुझे गहरे समुद्र का एक बड़ा डर है, लेकिन चलो इसे जोश के साथ करते हैं क्योंकि आत्मा हमेशा उच्च होती है। समुद्र में गोते लगाते हुए उन्हें जय बजरंग बली कहते हुए भी सुना जा सकता है। वीडियो पर कई फैंस ने कमेंट किए। एक फैन ने लिखा, ये बेयर ग्रिल्स को बॉलीवुड में आना ही लगता है। वहीं दूसरे फैन ने लिखा, जिस पल आपने जय बजरंग बली कहा मैंने आपको महसूस किया। वहीं कुछ फैंस ने विक्की के दिसंबर में शादी की चर्चा को लेकर उनके साथ मजाक भी किया। एक व्यक्ति ने कहा, भैया जी शादी की खुशी में बहुत कुछ कर रहे हो, कैट को इतना प्यार। पता देखे विक्की से पहले इस शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अजय देवगन, अजय अक्षय कुमार और रजनीकांत भी शामिल हो चुके हैं। वहीं विक्की के ऑन बोर्ड आने की खबर की घोषणा 15 सितंबर को की गई थी। इसी बीच विक्की वर्तमान में अपनी आखिरी फिल्म सरदार उधम की सफलता को इंजॉय कर रहे हैं। वहीं उनके पास कई बड़े प्रोजेक्ट है जैसे की सैम मानेकशॉ पर बायोपिक और मिस्टर लीले। मिस्टर लेले का तो एक गाना भी था ना, मिस्टर लो 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 का था वो है, मिस्टर लो 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 तो आको का जादू। ऐसा नहीं सुने तुम ना, कहाँ से लाए तुम ये खबर है? हम तो लाए, तुमको नहीं पता है? तो घूंघट क्यों निकाल के रखा है, शक्ल दिखाने लायक नहीं है? वो दादा ससुर जी आए थे ना, वैसे तो हमारे घर वाले मना करते हैं पर क्या करे, उतने बुढ़ाओ है ना, 30 साल के तो वो है ना। हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, हमको अच्छा नहीं लगता का हमारा फैमिली तो बहुत ही कूल है, चील है, चील चील चिल्ला की चिल्लक मचाए, ढोल ढोल कौवा भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। का कहते हो चिंटू के बाबा, हाँ ऐसे काहे देख रहे, कभी घूंघट में नहीं ना देखे हो हमको, का याद आ गया तुमको, का तो याद आ गया हमको, पता है उनके दिमाग में कौन सा गाना चल रहा है। हाँ, तुम ज्यादा मत बताओ कौन सा गाना है, हम शर्मा रहे हैं, हमको ऐसे नहीं ना बोलो। घूंघट की आड़ में दिल भर का चलो तुम ब्रश करो, तब तक हम जाके कुछ शॉपिंग साथ में जाएंगे ना। कहाँ जाएंगे तुम, तुमको शॉपिंग पे आना है? हमको नहीं आना, हमारे पास पैसे तो जल्दी घूंघट उठाओ फटाफट से, देर हो रही है, मेरे शॉपिंग शॉप्स बंद हो जाएंगे। उठा लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। घूंघट क्या मुंह दिखाई लोगी अभी? पैसे दे दो हमको चलेगा। देखा ये औरत कितनी लालची है, अंदर से लोग लालची नहीं है, हम लोग साथ हंसी टिटोली कर रहे थे हैं? फोन में तुम्हारे साथ कर रहे थे, किसके साथ करेंगे, पागल हो गए हो का? तुम इस सारा मारे हम बिठवा आया हुआ है छोटा समीक्षा का कर्जिन भाई कल्पेश, तो उनके सामने अच्छा नहीं ना लगेगा ये सब बातें। अच्छा चलो चलो, तो छोटा है का समझ में नहीं आता है तुमको? हमको तो समझ में ही आता है सारा कुछ, हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? आप कांटे वाला गाना गाएंगे आज तो हम? कौन सा? चलो तुम साथ में जाएंगे, ठीक है का भैया, साथ में क्लोजिंग करेंगे हम, कौन सा गाना है? अपने जिगर को थाम के दांत। ए आंटी, जिगर कौन है? ये जिगर वो समीक्षा का फ्रेंड है। ओ, उसको थाम के बैठना है क्या? उसको थाम के हमको नहीं बैठना है। अपने जिगर को थाम गाओ ना तुम, मुझे नहीं आता। थाम के बैठो, डांस करो चलो। हाँ। थाम के बैठ, ठीक है दर्शक लोग आप भी करना। अपने जिगर को के बांधी कमरिया से साड़ी के आई अब आंटी की बारी। आंटी कहाँ की बारी आई, आपके हॉस्पिटल की? तुम्हारी आई हॉस्पिटल की, ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसे का पागल होगा तुम, हमारा तबियत हम घूटना। तुम्हारे दिमाग के इलाज के लिए जाना था ना, तुमको फटाफट जाओ फटाफट, बारी आ गई आंटी की। ए भगवान, तुम जल्दी से जैसे कृष्ण बोल दो तो हम जाए फटाफट। हम इसको नीचे रख रहे हैं, दर्शक लोग हम तो जा रहे हैं, फिर से आएंगे कल खबर लेके। ध्यान रखिएगा अपना, अच्छे से खाइएगा पिएगा, जय राम जी, नमस्कार करो।